शाहपुर में जिला पंचायत सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार। कॉलम पूरा किए जाने ही अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ की बैठक। शाहपुर में जिला पंचायत चुनाव संपन्न हुए, अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए कि जिला पंचायत अध्यक्ष की मनमानी उजागर होने लगी। यही कारण है कि जहां जिला पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत में होने वाली बैठक की ना तो जिला पंचायत सदस्य को सूचना दी गई, ना ही बैठक के एजेंडे के साथ बैठक के समय से सदस्य को अवगत कराया। इतना ही नहीं, बैठक का कॉलम पूर्ण किए कि अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी, जहां सूचना के अभाव में जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक का विरोध करते हुए बैठक का बहिष्कार करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में ही बगावत शुरू कर दी। वहीं आरोप लगाए कि बिना सूचना और बिना कॉलम पूरा किए जिला पंचायत अध्यक्ष की मनमानी के चलते जिला पंचायत के सभागार में अधिकारियों के साथ बिना एजेंडा बताए ही बैठक शुरू कर दी, जिसका हमने विरोध करते हुए बहिष्कार कर दिया। देखिए उक्त मामले को लेकर क्या कहते हैं शाहपुर जिला पंचायत के सदस्य। शाहपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। यहाँ अध्यक्ष के केबिन में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ जिला पंचायत में बैठक जारी बनी हुई है, क्या कारण है कि आप यहाँ बैठे हैं? सर, ये तो पहले तो हमें जो आज मीटिंग रखी गई है उसको सूचना को अवगत नहीं करवाया गया, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर पहुँचे। जैसे जैसे हमें सूचना मिली उसके हमें मना करने के बाद भी अभी मीटिंग चालू हो रही है। ओनली 5 सदस्य हैं अंदर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 सदस्य और हैं। छः कॉलम पूरा करने के लिए कम से कम वहाँ पे 6 सदस्य होना जरूरी, फिर भी उनकी मीटिंग जारी है। वैसे इनका बहिष्कार करते हैं, आपने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया है। जी जी, आगे क्या करना चाहेंगे? आगे वो तारीख फिक्स करें, उस पर हम मीटिंग करवाना चाह रहे हैं। यानी आपका कहने का ये कि एजेंडा तारीख जी फिक्स होने के बाद ही आप जो है अगली बार विषय हमें अवगत करवाए, उसके बाद में हम मीटिंग में आने के लिए। तो अभी यहाँ अध्यक्ष के ऑफिस में कितने सदस्य बैठे हुए? अभी अध्यक्ष के ऑफिस में 4 सदस्य बैठे हुए, 2 अनुपस्थित। 2 अनुपस्थित है, और बैठक में आप बता रहे हैं कि 5 सदस्य बैठे हुए। जी जी जी, कॉलम पूरा करने के लिए कम से कम 6 सदस्य होना जरूरी है। यानी कॉलम पूरा नहीं है तब भी जो है बैठक जारी बनी हुई है। जी जी, कॉलम का अभाव है।